अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिल्किस पिज़्ज़ा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। आज है 8वीं, तो जुमेरात है, तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं दरगाह को। और अमीन भी आ रहा है, पीछे बैठा है। दरगाह को जाके ज़्यारत कराते हो। कौन से दरगाह जा रहे हैं आप? इस ब्लॉग में बने रही है फ्रेंड्स, और ख़ास करके फुल वॉच कीजिए, फुल वीडियो देखिए हमारा। तो चलिए चलते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हज़रत यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे छोटे कब्रिस्तान के पास में बाजू में ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पीछे का कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान है। यहाँ पे देखिए आस्थान मुबारक। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये है अंदर के मज़ार, और ये आस्थान मुबारक अंदर का है, हज़रत यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ पे देखिए ये भी मज़ार है बाजू में आस्थाने के, और यह है आस्थान मुबारक का एंट्रेंस दरवाज़ा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर का मंज़र है, माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मंज़र है। ये दो तीन मंज़र है यहाँ पे, मैं भी बहुत दिन के बाद आया हूँ, आया नहीं था। आप लोग कमेंट में भेजते हैं तो हमारे उमर भाई बार बार बोलते रहते हैं वहाँ जाके आइए आप बोल के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये सामने से दिखा रहा हूँ मज़ार अकदस। इनके साथ की हमारी बिगड़ी बन जाए हज़रत यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने से। यहाँ पे देखिए चिराग वगैरह। तो ये दाएं साइड का है, और ये है राइट साइड में। और यहाँ पे देखिए चिराग वगैरह लगाते हैं, जो भी मन्नतें लेके आते हैं माशाल्लाह यहाँ पे। और यहाँ भी मज़ार वगैरह है माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए बाहर के मज़ार है, और वो भी मज़ार है बाहर के, सब इनके मुरीद होंगे शायद, या रिलेशन में होंगे। ये है उनका खानका, खानका मुबारक है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी साहिब लोग बैठते हैं, ये उनकी रूम है। और यहाँ पे भी मज़ार है फ्रेंड्स। ये पूरे उनके ख़ानदान वाले होंगे शायद, उनके पीरो मुरीदी बोल के, तो यहाँ पे रिलेटेड पूरे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए चिराग मुबारक यहाँ पे लगाते हैं बाहर। ये बाहर का मंजर है, बाहर दिखा रहा हूँ मैं आपको। और उर्ज भी माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, लंगर भी बहुत अच्छा होता है, आप भी ज़रूर आइए। हुबली में सिटी में बोल्डेज नगर के पास सदर सोपा बोल के, और छोटे कब्रिस्तान के बाजू में रहते हैं ये बुज़ुर्ग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए बाहर मस्जिद है, और ये रोड है, मेन रोड जाता है बेंगलोर को। ये मस्जिद है, मस्जिद के पीछे और कब्रिस्तान भी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर का है पूरा, और इसके बाजू सुरगा कट्टा भी है। तो जाएंगे मीना? जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चलो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आ गए हम घर पे, तो देखते हैं क्या कर रहे हैं घर पे। अनम तो रेडी हुई है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रेडी हुई है। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि लाइट लगाना है, अंधेरा है। और बाबा है, देखिए बाबा भी रेडी हो गया हमारा। तो देखेंगे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हेलो, कुछ सामान लेके आए थे, सामान नहीं हुआ, कुछ खाने का है। अस्सलाम वालेकुम। आज तो जुम्मा नहीं है, जुमेरात है। आज 8वीं है। आज कहाँ गए थे तुम? दरगाह गया था, हजरत यूसुफ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह। हमारे उमर भाई बोलते रहते हैं बार बार जाके आओ जाके आओ, बोले तो उनको भी शूट करना, शूट करके लेके आए दिखाने के वास्ते। ब्रेड लेकर क्या? चलो अच्छी बात है। देखो अच्छा, फटाफट नाश्ता करो, फटाफट जाएंगे, जाके आएंगे, फिर दोपहर के बाद जाएंगे घर ढूंढने के लिए। यहाँ देखिए हमारा बाबा रेंग रहा है, हमारा बाबा अड्डू मम्मा रेंग रहा है हमारा। आप लोग इसके लिए दुआ कीजिए, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर भेजिए। देखिए यहाँ पे मैं पकड़ा नहीं उसको, वहीं ठहरा है। तो देखिए यहाँ पे वो ठहरने के लिए जाता है, और वो ठहरता है, वो बैठता है, फिर बैठता है, फिर ठहरता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नाश्ता करते हैं हम लोग। नाश्ते में क्या बनाया पूछते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए, अभी यहाँ पे लाई हूँ मैं चाय और दोसी, और ये खा रहे हैं मुहर्रम के घोड़े, अच्छा है माँ, कल के अंडे, और ये है फिश के अंडे का सालन, और बाबा भी यहाँ बैठा है, उसको खिला रहे नहीं? ए, खिला रहे, वो खा रहा है घोड़े, वो पहला मुहर्रम के घोड़े खा रहा है बाबा, खिलाओ खिलाओ। तो अमीन भी खा रहा है। तो आज कहाँ जा रहे हैं जेमे? आज जाएंगे कुछ हमारे फ्रेंड्स को और हमारी फैमिली को कुछ हमारे हुबली का मुहर्रम कैसा होता है दिखाते हैं। चलो भाई फटाफट नाश्ता कर लो, आपके आता हूँ मैं दोपहर में 5-6 सर पर, आप ले आएंगे हमारे दूसरे फैमिली को नया नया दिखेंगे बाहर का लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अना तो वो सारे जो बनाते हैं अगले ब्लॉग में आएंगे, आज का तो ब्लॉग जाएगा, कल आएगा ये ब्लॉग, कल जाएगा परसों वो ब्लॉग आएगा इंशाल्लाह। हटेल बादशाह माँ बीवी फातिमा तुजहरा और मौलाली और जो भी है पंजे, जो हमारे हुबली में इम्प्रूवमेंट है, गोस्का मामा बोल के मौलाली बोल के, और यहाँ पे तीन जगह है तो आपको दिखाते हैं, लेकिन फ्रेंड आप हमारे साथ बने रहिए, उर्स की तरह लगाता है वहाँ पे, तो जाके आते हैं हम, आइए नाश्ता करेंगे। और आमीन की स्कूल छुट्टी है तो इसलिए वो घर पे है, गवर्नमेंट छुट्टी है तो बारिश के मौसम की वजह से यहाँ पानी तो बारिश तो रुक रहा नहीं, फिर भी यहाँ पे तो बेहतर है, दूसरे गाँव में तो बहुत ज्यादा है ना जी, बहुत ज्यादा क्या 25-30 लोग मरे बारिश की वजह से, बारिश घर पड़ो को पानी आओ को नदियाँ कितने भर को, बहुत मुश्किल है बाहर, अल्लाह का करम है कि कर्नाटक में हमारे हुबली बहुत बेटर ऊपर है, हमें बहुत ऊपर को है। तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स, आपको क्या बोलना बोले तो घर का मसला भी है, घर भी देखने के लिए जाना है, तो दोपहर के बाद वो काम करेंगे, शाम में वो काम करेंगे, फिर आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखिए हमारा नाश्ता हो गया, तो ये भी जा रही है, मैं जा रहा हूँ हमारी ड्यूटी पे, दोपहर में आऊँगा, आने के बाद हमारे साथ बनी रही है। तो नाश्ता वगैरह हो गया हमारा, बाबा भी वो नाश्ता हुआ, और तालिब का जो आने अमीन का माइन का, माइन तो नहीं है, माइन के पास जाके आया हूँ, जाके आके उसको दो रुपये दे के आया चिल्लर से मेरे पास है। तो अभी जा रहा हूँ मैं ड्यूटी पे, चलिए चलते हैं, जाके आओ दोपहर में, आओ जल्दी आओ, इसे दो रुपये नाग दे, देखो हाई ले मां दे तो ना नु 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 नु, हमारे पापा जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स शोहर जी भी चले गए, तो अभी मैं घर का सारा काम कर लूँगी, बाबा को भी सुलाना है, अभी तो उठा है वो नहीं सोएगा, तो उसको गाड़ी में बिठाऊंगी और मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बर्तन बाहर ही धोना है, मुझे तो हो रहा नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं, अंदर बाहर थोड़ी ही है, फटाफट धो लेती हूँ, कोई भी नहीं है, बस लेडीज़ लोग ही बर्तन धो रहे हैं सुबह सुबह सब अपने अपने घर के पास। तो पूरा काम होने के बाद मिलती हूँ फ्रेंड्स, बस ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे बाबा मुझे तंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बाबा, कैसे तंग करते रहता है, शरारत करते रहता है बाबा। वो खा रहा था डोसी, उसको डोसा दी थी मैं हाथ में, तो आज जुमेरात है, तो आज हम लोग बाहर जाएंगे कहीं, हस्बैंड साहब बोले हैं लेके जाऊंगा करके ज़ियारत के लिए, तो सुबह सुबह ही वो आज छोटे कब्रस्तान दरगाह पे वहाँ पे गए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा करके बोल रहे थे आपको, तो मैं नहीं गई, बस वो और अमीन दोनों गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था उनको, बहुत खुश भी थे, बस अल्लाह ताला उनके आज कमे में खूब सारी बरकतें नवाजें दे, और उस दोपहर में भी जल्दी आना है उनको, तो इसलिए फ्रेंड्स तो चलिए अभी मैं बाहर मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे रिश्वत भी ले लिए, वो दो रुपए, तो चलिए कोई बात नहीं, तो बाहर मिलती हूँ फ्रेंड्स, भी फटाफट काम कर लेती हूँ घर का, लाओ बेटा पैसे लाओ दो। फ्रेंड्स अभी सब काम हो चुका है, तो अभी यहाँ पे मैं बेबी को सुला रही थी, वो सोया ही नहीं बर्तन धोने तक, पूरा जमीन वगैरह सब भी पोछा लगाई, फिर अभी नहीं सोया, वो खेल रहा था, तो अभी जस्ट सोया, देखिए यहाँ पे उसको सुला रही थी मैं, तो सो गया वो। तो हमारे जो घर के बाजू हमारे इस घर के ओनर है वो आए थे, तो कल बोले थे उनको हम लोग घर खाली करते हैं, यहाँ पे चूहे वगैरह बहुत है, आप काम भी नहीं करा के दे रहे करके बोले, तो भी वो नहीं सुन रहे, हम लोग 25 तारीख को 24 तारीख को आके रहे हैं, और चाबी भी 24 तारीख कुछ मंगले, और वो भी एडवांस हम लोग 2000 दिए थे 20 तारीख को, तो तब का ही रेंट पकड़ी है, तो अभी हस्बैंड साहब आने के बाद क्या बोलते हैं क्या नहीं मुझे तो पता नहीं, और वो बोल रहे हैं और एक मंथ रो लो उसके बाद छोड़ो, या तो यहाँ रो लो, अभी हमारे पास पैसे नहीं है देने को करके बोल रहे हैं, अब 2-3 दिन में पैसे भी खाली करे करके बोल रहे हैं, क्या अब प्रॉब्लम होगा क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मैं बताती रहूँगी आपको, अपडेट देती रहूँगी। तो बस अभी वो क्या बोल रहे हैं, सब तुम्हें अच्छा कर लो, तुम्हें रो लो करके बोल रहे हैं, और किरी किरी तो बहुत ज़्यादा है उनकी, तो इसलिए मुझे थोड़ा
आगे पीछे हो रहा रहने को। और घर तो अच्छा है, छोड़ो बड़ा भी है, मगर क्या अभी आप सब लोग बोल रहे हैं घर बारिश के जैसे पड़ा गिरा तो आप क्या करते हैं करके, तो वही थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। अगर वो आए पापा है नहीं लोलो आता देखो जो उनको, तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। बच्चे भी देखे यहाँ पे खेल रहे बाहर, तो अभी वही आए थे ओनर, तो अभी मुझे पैसे देने नहीं होता। या तो तुम्हें 20 तारीख को रहे सो भाड़ा जितने दिन का होता वो भाड़ा दो, और एक बैरल पानी भर ले सो पानी बैरल के, पानी के पैसे दो एक बैरल के, और करंट बिल दो दिन यूज़ करे सो उसके पैसे दो। सब अलग अलग ला रहे हैं, वो क्या करना को समझ में ही नहीं आ रहा। अभी देखते हैं, अभी आने के बाद बोलती हूँ मैं उनको, ऐसा बोल रहे हैं या तो रो लो बोल रहे हैं या तो छोड़े तो भी एक मंथ के बाद छोड़ो करके बोल रहे हो। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी क्या होता है अभी हस्बैंड साहब आने के बाद ही पता चलेगा जो भी है, क्योंकि अभी उनको उनके बिना मैं डिसीजन तो नहीं ले सकती, वो आने के बाद ही डिसीजन होगा। अब वो बोल के गए थे दोपहर में आऊँगा मैं घर देखने जाएंगे करके, अभी वो ऐसा बोल रहे हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। बस आप लोग बने रहिए और हमें फुल सपोर्ट करिए। तो चलिए अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।